हेलो दोस्तों, तो अभी हो रहे शाम के 6:11 और मैं निकल रहा हूँ अभी छावनी से। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ आज लक्ष्मीबाई स्टेशन पे ऐसे थोड़ा टाइम पास करने के लिए। मुझे कहता है लक्ष्मी स्टेशन पे तो बहुत सन्नाटा रहता है बहुत ना काफ़ी, तो वहाँ बैठने का मज़ा आता है। वहाँ बैठो, ठंडी हवा चलती रहती है और आते जाते इनको देखता रहता हूँ मैं, तो वहीं जा रहा हूँ। शॉर्टकट ले लेता हूँ, यहाँ जल्दी पहुँच जाऊँगा इस गली में से। बाकी पर छावनी मार्केट का रास्ता पर निकल जाएंगे जल्दी, क्योंकि मेन छावनी मार्केट का चौराहे पर होता है। अपन चौराहे से पहले ही इस गली में घुस चुके हैं। अरे अंकल अंकल, तुम मानोगे नहीं यार, अगर मानने को नहीं हो रहे थे कहते यार। और जो अपना लक्ष्मीबाई स्टेशन है ना, जो लोग इंदौर को पता होगा कि वहाँ पे जनरली ट्रेन रुकती नहीं कभी भी, मतलब बहुत लोकल ट्रेन वगैरह ही रुकती है, क्योंकि वो ट्रेन को तब रुका जाता है इन केस में ना कि सपोज जैसे इंदौर जंक्शन पे ट्रेन पे ट्रेन की भीड़ लगी हुई है, प्लेटफॉर्म कोई सा खाली नहीं है, तो उस केसेस में ट्रेन को रोक दिया जाता है। अदरवाइज़ पूरा प्लेटफॉर्म खाली रहता है, वहाँ पर मस्त से वॉक करते हैं, मतलब मैक्सिमम जो आसपास के लोग हैं ना वहाँ जाते हैं इसके लिए, वहाँ पर वॉक करने के लिए। अल्ट्रोज यहाँ की रुक गई भाई, चलना। ये तो पता है स्टेशन का रोड है ना, ये वन वे रोड है, पता नहीं किस बात का, कि स्टेशन का रोड हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इंदौर स्टेशन क्या है ना जैसे उल्टी है, इंदौर स्टेशन का रोड उतना ही छोटा है। आप खुद देख लो, यही हाल है स्टेशन का रोड का। ये भी रोड ऐसी होनी चाहिए ना कि लिटरली आप क्या तूफान मार रहे हैं, कहाँ मरने जाएगा क्या भाई। ये रोड ऐसी होनी चाहिए जैसे आपके पास फटाफट निकल जाए रोड पर, होता है ना, लेकिन नहीं, ये रोड टाइम किल कर रही है। ओला वाला पिकअप दे रहा, अपन दिखा देंगे पिकअप अपना भैया। ओला वाले तुम पिकअप दिखाओगे तो चलो हम भी दिखा करना पिकअप। ये लो भैया, मैंने भी दिखा दिया। ओहो भाई का नंबर देखो ज़रा, आपका नंबर 5 जाके जरा इसका मैं नंबर देखो 0082। मतलब भाई ने क्या किया ना, इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ली, पेट्रोल के पैसे बच रहे थे तो आई ने पेट्रोल पैसे यहाँ लगा दिया नंबर के अंदर में। वाह यार भाई, शौकीन बंदा है भाई। और WL सीरीज़ मतलब ये गाड़ी अभी 1 साल पुरानी है करीब। WL सीरीज़ आई थिंक 22 में आई थी, 22 क्या होता है ना जनवरी मंथ में आई थी, 1 साल पुरानी गाड़ी है ये। बाकी ट्रैफिक तो आप देख ही लो, बहुत ही स्लो मूविंग ट्रैफिक है, एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं। अच्छा देखो, सर्विस लाइट आ चुकी, गाड़ी चल चुकी है अपनी 11,500 किलोमीटर, तो सर्विस लाइट दिखा दी उसने कि अब आपको सर्विस करानी होगी इसकी, और सर्विस 11,500 से 12,000 किलोमीटर के बीच में होती है, तो सर्विस भी करवाना होगा जल्दी से मेरे को। भैया तो बचपन रखती है कि लाइट दिखा देती है इसके अंदर, और पता है लाइट सिर्फ 100 किलोमीटर तक ही रहती है, लाइक जैसी गाड़ी हट जाएगी ना 11,600 लाइट हट जाएगी, लेकिन 11,500 पर लाइट दिखा देगा ये, तो इसकी जब भी लाइट आए ना ध्यान रखना 100 किलोमीटर की लाइट रहेगी। और उसको ट्रिक बता दूँगा आपको इस लाइट को कैसे बंद करते हैं, और इस जरूरत तो पड़ेगी नहीं बंद करने की आपको, क्योंकि ऑलरेडी 100 किलोमीटर बंद लाइट अपने फट जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं बंद करने की। अब गाड़ी चला आपका ध्यान भी नहीं रहेगा, लाइट अपने 100 किलोमीटर हट जाएगी। तो पर किसी की लाइट ही नहीं जाती, क्या करना है अपना, गाड़ी स्टार्ट करते वक्त ये बटन पर दबाए रखना, और इंस्टॉल करते वक्त मतलब जब चालू होगा अपना इंस्टॉल करने के लिए बटन को दबाए रखना 30 सेकंड तक, लाइट ब्लिंक करेगी अपने आप ही और हट जाएगी। फिर पता मैं पहले यहाँ पे 2 रोड थी, यह रोड और एक उधर एक रोड थी, पता है सरकार क्या सोचा, मतलब ऐसे अच्छे खासी रोड थी, इतनी होता ना जैसे प्रॉपर रोड है ना, सीमेंटेड रोड है 3 लेन के अंदर में, वही सीमेंट रोड उस तरफ भी थी। सरकार क्या सोचा, सरकार ने रोड हटा दी वाली, अब सारी गाड़ी रोड पर चलती है, वापस रोड बनाने लग गए। सरकार की मर्जी क्या चलती है, भगवान ही जाने। बाकी जिस वीडियो मैंने बताया था आप लोगों को ओला के बारे में कि मुझे चलाने कैसे लगी ओला, तो उसमें कई लोगों का था ना, मुझे DM आया था, कमेंट नहीं आया, DM आया मेरे को कई लोगों का जगह पे कि भाई आप सर आप ओला में बुराई क्यों कर रहे हो, हम ओला ओन करते हैं भाई, ऐसी दिक्कत नहीं है भाई। अब देखो मैंने बताया ना वो चीज़ें, मैंने मेरे साथ बताया कि मैं ओन कर रहा हूँ जुपिटर को, अब जुपिटर चलाने के बाद मुझे कैसे ओला वो चीज़ डिपेंड करती है, चाहे आपने कभी जुपिटर चलाई ना हो या आप स्कूटी चला रहे थे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, तो जुपिटर परफॉर्मेंस अच्छी लगती है मेरे को, तो उस हिसाब से मेरे को ओला परफॉर्मेंस थोड़ा डिग्रेड लगा, इसलिए मैंने इसमें कुछ बोला ओपनली होके। तो ये चीज़ें होती है ना जो आपको परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि आपने कौन सी चीज़ चलाई होगी पास्ट के अंदर में, इससे कहा आपका जो आगे चलो कहते हैं आपने जो पास्ट में काम किया होगा उसका इफेक्ट पड़ने पड़ता है, वो ऐसा अच्छा लगेगा सर पास्ट में जुपिटर चलाई हुई है, मुझे पता है जुपिटर कहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस दे सकती है, तो इसमें मेरे को ओला इतनी नहीं जमी। अब जैसे मैं भी बिल्कुल नया ड्राइवर होता है, हमें बढ़िया बिल्कुल नहीं आती है, और घर पर ओला लेकर आता मैं तो मुझे जम जाती ओला, वो अब यहाँ क्यों खोद दिया, मतलब हर जगह खोद देना, अच्छी खासी रोड थी यहाँ पर खोद के रख दिया उसको भी यार। वो ट्रेन खड़ी है बाकी, अपन में गाड़ी पार्क करते हैं नहीं किसी भीड़ों में, आज भीड़ है मतलब जनता आई है, और जुपिटर अपन यहाँ पार्क कर देते हैं 1 सेकंड जरा बस। हाँ जुपिटर को अपन यहाँ पार्क कर देते हैं, यहाँ संभाल के रहेगी अपने जुपिटर। मीनवाइल यहाँ पे ट्रेन खड़ी हुई है, एक ट्रेन खड़ी है यहाँ पे इंदौर रतलाम बिना इंदौर वाली ट्रेन खड़ी है यहाँ पे, इसका इंजन है ये बड़ा सा WAG 9HC, बाकी देख लो यहाँ पे मैक्सिमम लोग वॉक करने के लिए आते हैं यहाँ पे, आप देखो पीछे तक का काफ़ी क्लीन स्टेशन है यहाँ पे, आराम से वॉक करो शाम के वक्त में। ये पूरा आसपास जो एरिया है खाता को मैं आसपास बहुत ओपन है, इधर भी पूरा ओपन है उधर पूरा ओपन एरिया है, तो यहाँ पे सनसेट देखने आते हैं मैक्सिमम लोग। तो बाकी देखो एक और ट्रेन खड़ी हुई है, अभी 2 ट्रेन निकलने वाली है, इसके ट्रेन बहुत आती है, देखो इतने देर में एक और ट्रेन आ गई यहाँ पे, तो ट्रेन वगैरह बहुत आती है यहाँ पर, और भी रुकेगी नहीं यहाँ पर, क्रॉस हो जाएगी यहाँ। ये देखो एक और ट्रेन निकल गई इतने देर में, मतलब एक ट्रेन अभी गई फट से एक और ट्रेन निकल गई यहाँ पे, तो ट्रेन बहुत आती आती रहती है यहाँ पर,
जो सेम ट्रेन जो दिखाई थी मैंने आपको जो खड़ी हुई थी वो निकल गई वापस अब। सो ये प्लेटफॉर्म वन का यहाँ पे डेड एंड आ गया है, आप अपना डेड एंड से उस तरफ जा रहे हैं प्लेटफॉर्म टू के अंदर में, और वो देखो फिर एक और ट्रेन निकल गई, ये देखो वो ट्रेन आ रही गिनी वाली ना जो मालगाड़ी है वो भी चलने लग गई अब। मतलब अभी एक ट्रेन देखो वहाँ पहुँची भी नहीं है अभी, देखो दिखाता हूँ मैं सुन करके मैं, ये देखो एक ट्रेन अभी पहुँच रही है वहाँ पर, पता है मतलब जो ट्रेन गई थी अभी ग्रीन वाली वो अभी पहुँची भी नहीं वहाँ तक, एक और ट्रेन निकल गई वहाँ पर। भाई देख लेते हैं आसपास कोई है नहीं, क्रॉस कर लेते हैं, ये क्रॉसिंग दिया गया है यहाँ से क्रॉस कर सकते हो आप। अच्छा अभी टॉप पे आ गए हो ब्रिज के, देखो ऊपर से यहाँ पे प्लेन लैंड हो रहा है एंड नीचे प्रोसेशन है, और फिर एक और ट्रेन निकल रही है। जब जब मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ ना कोइंसिडेंटली यहाँ पे एक और ट्रेन निकल जाती है। भाई देखो कितना अच्छा व्यू, सनसेट देखो कितना मस्त दिख रहा है यहाँ से यार, और वो जा रहा प्लेन लैंड होने आगे यहाँ पे एयरपोर्ट है इस जगह पे ना लैंड होने जा रहा है यहाँ पर ये। बाकी देखो कितना मस्त एरिया है, देखो आप हर तरफ आपको खाली एरिया दिखेगा हर तरफ से ही, कोई ऊंची बिल्डिंग नहीं है आसपास यहाँ पर। और ये ब्रिज पता बहुत लंबा ब्रिज आता, कितना लंबा ब्रिज है आपको, ये बहुत लंबा ब्रिज है ये, लाइक इसका डेड एंड जो है ना बहुत दूर तक है, ये देखो यहाँ से वहाँ तक जा रहा है सीधा और आगे तक एक और दूसरे ब्रिज से कनेक्ट हो जाएगा ये। A few moments later. So, अभी शाम के 7 बजने वाले हैं, सनसेट भी हो चुका है प्रॉपर, अब निकलता हूँ घर। सो अपन अपन इसके एग्जिट पे आ गए, वो खड़ी अपनी जुपिटर, बैठ के जुपिटर में निकलते हैं घर की तरफ यार, अब टाइम हो गया है 7:10 करीब। सो अभी यहाँ से निकल रहा हूँ मैं वापस, सो अभी मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, अब जा रहा हूँ घर की तरफ। पता नहीं क्या हो रहा है, मैं उसका भी लास्ट क्लिप में बैठ के ऊपर देखा था आराम से, मैं एंगल सही रखा हूँ कैमरे का, लास्ट वीडियो में ऐसे ही मैसेज हुआ था मेरे साथ, एंगल बहुत सही रखा हूँ कैमरे का, होता है अपने आप ही कैमरा मैं थोड़ा लो रिकॉर्ड कर रहा, पता नहीं कैसे क्या ग्लिच हो गया है ना, एक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, अगर थोड़ा सेट किया कैमरा अब देखता हूँ कैसा क्या एंगल प्रॉपर आ नहीं आ रहा, मतलब कैमरा एंगल जो मैं राउंड है ना उसका मैंने सेट रखा हुआ है वो कभी चेंज नहीं होता, वो टाइप का सेट कर रखा हुआ तब भी मेरा कैमरा हल्का सा नीचे रिकॉर्ड कर दे, जबकि सेम कैमरा एंगल रखा है मैंने दोनों टाइम में भी, शायद कुछ ग्लिच हो गया है फ़ोन में इसके कारण हल्का लो रिकॉर्ड कर रहा है, इससे मैं भी यार एक बार रुक के देख लेता हूँ आप कैमरा का सही रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब थोड़ी टेंशन हो गई फालतू में यार, इतना अच्छा रिकॉर्डिंग कर रहा था कैमरा पहले आप फालतू कैमरा का लो होने लग गया आजकल का। सो अभी तो मैंने देखा है रुक के अब तो कैमरा प्रॉपर रिकॉर्ड कर, जबकि अभी भी मैंने से कैमरा का चेंज नहीं किया है, अभी भी सेम कैमरा एंगल पर चीज़ें सेट करी हुई है, तब भी पता नहीं क्या ग्लिच हो गया है यार, लाइक पहले अच्छा रिकॉर्डिंग कर लेता था लेकिन अभी देख रहा हूँ ये नया ग्लिच कि कैमरा हल्का सा है ना हल्का सा लो रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब प्रॉपर जितना ऊपर चाहिए होता है हाइट उतना हाइट नहीं ले रहा है कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए। कई बार क्या होता है ना कंपनी अपडेट करने कुछ फीचर्स वगैरह बनाती रहती है फ़ोन में, और अपडेट के चक्कर में कई चीज़ें बिगड़ जाती है, शायद कुछ अपडेट आया आपको फ़ोन के अंदर में इसके कारण वो चीज़ बिगड़ गई, तो कोई बात नहीं अगले ब्लॉग से ध्यान रखूँगा कि कैमरा एंगल दो बार चेक करूँ मैं, आधे आधे वीडियो कैमरा एंगल चेक करते रहूँगा वरना यार बहुत दिक्कत आती है। अरे तुम निकल जाओ दादा, तुम निकलो दादा, भी यहाँ पर दादा स्लो कर रहे हैं फिर तेज कर रहे हैं स्लो कर रहे हैं, मतलब खुद में कन्फ्यूज़ है कि वो जाओ के रुकेंगे वो, सबका मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया, और होता क्या है कई बार वो कैमरा देखते हैं ना तो कैमरा के चक्कर में वो बढ़ जाते हैं, शायद कैमरे क्या होते हैं वो तब कैमरे में खो जाता है काइंड ऑफ मेरे, तो कैमरा खोने के कारण को ध्यान नहीं रहता है कि कब गाड़ी स्लो कर रहे हैं कब तेज कर रहे हैं, उल्टा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है वो। गाइस ये देखो क्या कोइंसिडेंस दिखाता हूँ आपको मैं, याद आपको मैं दिखाया था जब आ रहे थे अपन, तो ये नेक्स्ट वन जा रही थी अपने आगे जिसका नंबर आई थी 00 कुछ नंबर था, वो नेक्स्ट वन दिखाता हूँ फिर से मेरे सामने आ गई है, हर भी कर रहा हूँ ये देखो वही नेक्स्ट वन फिर से आ गई है वाली, क्या कोइंसिडेंस है यार। अब पता है क्या मैंने नोटिस भी किया है कि जुपिटर काइंड ऑफ सुपीरियर प्रोडक्ट तो है एक्टिवा मामले, जिसे सर्विस इंटरवल का बता दिया उसमें लाइट वगैरह, इससे पीछे जो बेसिक एक्टिवा करना शायद में नहीं आता है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी बेटर तो है जुपिटर की एक्टिवा के कंपेरिजन में। अब कन्फर्म नहीं है मुझे कि एक्टिवा में फीचर आता है कि नहीं आता, लेकिन मैंने शायद नहीं देखा है एक्टिवा करना, जनरली मैंने देखा एक्टिवा ना उनके अंदर नॉर्मल डिजिटल ऑटोमीटर नहीं आता है, नॉर्मल एनालॉग वाला ऑटोमीटर आता है, तो उसका मैंने देखा नहीं है फीचर वाला। महिंद्रा ड्यूरो ये कौन सी गाड़ी थी यार, पहली बार देख रहा हूँ मैं। बाकी एक बात तो है कि जैसे जुपिटर को आजकल रोज चलाने लग गया ना तो इसका माइलेज थोड़ा इंक्रीज़ हो गया, पहले करता था ना पहले खड़े नहीं करता बहुत टाइम तक, एकदम से निकली तो 2-3 किलोमीटर घूम कर आ गई, अब रोज चल रही है ना तो फ्रीक्वेंट चलने के कारण गाड़ी का माइलेज थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, और साथ ही में जो पार्ट्स के लोकेशन वगैरह प्रॉपर होने के कारण पार्ट्स थोड़े स्मूथ हो गए हैं रोज चलाने के कारण, या प्रॉब्लम हो सकता है गाड़ी का इंजन अभी चल चुका है 11.5 किलोमीटर, इंजन खुल गया शायद उसका अच्छे से, इसलिए अब माइलेज ठीक दे रही है जुपिटर, नहीं तो पहले इसका माइलेज बहुत कम हो गया था बीच में, तो क्योंकि अभी सर्विस नहीं करा अभी सर्विस करवा लूँगा शायद इसका माइलेज और अच्छा हो जाएगा। सो दोस्तों ये तक की थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।